हेलो दोस्तों, नमस्कार। द अमेजिंग रिलेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 12845 भुवनेश्वर बेंगलुरु कैन सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कोई भी मेरे चैनल का अभी सब्सक्राइब नहीं किए और जो लोग मेरे चैनल में पहली बार आए अभी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे रेलवे से जुड़ी जो भी नई वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी फेवरेट ट्रेन का वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। ये ट्रेन भुवनेश्वर ओडिशा से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को होते हुए कर्नाटक का बेंगलुरु कैंट तक चलती है। इस ट्रेन में एलएचबी ब्रेक यूज होता है, जो कि स्पीड और सेफ्टी के लिए बहुत ही बढ़िया कोच है। इस ट्रेन को ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन ऑपरेट करती है और ये सुपरफास्ट टाइप का ट्रेन है। और इस ट्रेन का भुवनेश्वर से बेंगलुरु कैंट तक जो दूरी है वह 1510 किलोमीटर का। और इस ट्रेन का मैक्सिमम परमिटेड स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर का और एवरेज स्पीड है 56 किलोमीटर पर आवर का। और इस ट्रेन का भुवनेश्वर से बेंगलुरु कैंट तक जाने में टाइम लगता है 27 आवर्स 20 मिनट्स का। रास्ते में इस ट्रेन का 19 स्टेशन पर हॉल्ट है और इस ट्रेन में ऑनबोर्ड करने का सुविधा भी मौजूद है। तो चलिए अब इस ट्रेन के कोच पोजिशन और फेयर के बारे में जान लेते हैं। इस ट्रेन में 1 सेकेंड AC, 4 थर्ड AC, 11 स्लीपर क्लास, 3 सेकेंड क्लास और 1 पैंट्री कार का कोच शामिल है। और इस ट्रेन का भुवनेश्वर से बेंगलुरु कैंट तक जाने में जो कॉस्ट है वह सेकेंड एसी का 2465 रुपीज़ और थर्ड एसी का कॉस्ट है 1715 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट चार्ज और GST चार्ज शामिल होता है। स्लीपर क्लास का कॉस्ट है 655 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज, रिजर्वेशन चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। और सेकेंड क्लास का कॉस्ट है 380 रुपीज़, जिसमें बेस फेयर चार्ज और सुपरफास्ट चार्ज शामिल होता है। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में आप जान लेते हैं। ये ट्रेन हफ्ते में एक दिन संडे को उड़ीसा के भुवनेश्वर से सुबह के 7:30 पे 4 नंबर प्लेटफॉर्म से छोड़ता है। और इस ट्रेन का जो पहला हॉल्ट है वह खुर्दा रोड जंक्शन, यहाँ पर यह 7:55 पर आता है और 8 बजे यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद बालूगांव, यहाँ पर यह 8:52 पर आता है और 8:54 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ब्रह्मापुर, यहाँ पर यह 9:50 पर आता है और 9:55 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन ओडिशा छोड़ के आंध्र प्रदेश में एंटर होती है। एंटर होने पर जो स्टेशन आता है पालासा, यहाँ पर यह 11:05 पर आता है और 11:07 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद श्री काकुलम रोड, यहाँ पर ये दोपहर के 12 बजे आता है और 12:02 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद विजयनगरम जंक्शन, यहाँ पर ये 12:07 पर आता है और 1:02 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद विशाखापट्टनम जंक्शन, यहाँ पर ये दोपहर के 2:05 पर आता है और 2:25 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 20 मिनट का स्टॉप है। यहाँ पर इस ट्रेन का रिवर्स होता है। इसके बाद समालकोट जंक्शन, यहाँ पर यह शाम के 4:34 पर आता है और 4:35 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद राजमंड्री, यहाँ पर यह 5:28 पर आता है और 5:30 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद विजयवाड़ा जंक्शन, यहाँ पर यह रात के 8:05 पर आता है और 8:15 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 10 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद नेल्लोर, यहाँ पर यह 11:39 पर आता है और 11:40 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 1 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद गुडूर जंक्शन, यहाँ पर ये रात के 1:18 पर आता है और 1:20 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद रेनेगुंटा जंक्शन, यहाँ पर ये 2:08 पर आता है और 3 बजे यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद तिरुपति, यहाँ पर ये 3:23 पर आता है और 3:25 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद चित्तूर, यहाँ पर ये सुबह के 4:28 पर आता है और 4:30 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन आंध्र प्रदेश छोड़कर तमिलनाडु में एंटर होती है। एंटर होने पर स्टेशन आता है काठवाड़ी जंक्शन, यहाँ पर ये 5:30 पर आता है और 5:35 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 5 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद जोलारपेटा जंक्शन, यहाँ पर ये 7:03 पर आता है और 7:05 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद ये ट्रेन तमिलनाडु छोड़ के कर्नाटका में एंटर होती है। एंटर होने पर स्टेशन आता है क्वाइट फील्ड, यहाँ पर ये 9:14 पर आता है और 9:16 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इस ट्रेन का सेकेंड लास्ट अभी कृष्णा राजापुरा में, यहाँ पर ये 9:28 पर आता है और 9:30 पर यहाँ से रॉयल एक्सप्रेस का 2 मिनट का स्टॉप है। इसके बाद इस ट्रेन का डेस्टिनेशन वो है बेंगलुरु कैंट, यहाँ पर ये सुबह के 10:50 पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म में अपनी यात्रा शुरू कर लेती है और 1510 किलोमीटर डिस्टेंस वो तय कर लेती है। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।